अक्सर देखा होगा कि शराब की दुकान पर देसी शराब का ठेका या अंग्रेजी शराब का ठेका लिखा होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। शराब की दुकान जो भी व्यक्ति चलाता है, अगर उसके नाम से ये ठेका चलाया जाए तो समाज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ठेकेदार अपना नाम छुपा कर रखते हैं, जिससे लोगों ने इसका नाम ठेका रख दिया। शराब की दुकान पर अगर वह देसी शराब का ठेका है या फिर अंग्रेजी शराब का, तो उसके नीचे लाइसेंस नंबर और वैधता भी लिखी होती है। और दारू का ठेका तो आप सभी ने कई जगह पर देखा भी होगा, और साथ ही उन पर आपने ये भी लिखा देखा होगा कि अंग्रेजी और देसी दारू यहाँ मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ठेका खोलने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता? हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और साथ ही ठेके की सुरक्षा को लेकर भी सजग रहना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और इसे खोलने के लिए जिज्ञासु हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस बिजनेस से जुड़ी वो सभी जानकारी। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में शराब बेचने के लिए लाइसेंस यानी कि सरकार से परमिशन लेनी होती है। इस परमिशन के लिए आपको लाइसेंस बनवाना होता है, जो कि कोई सरल काम नहीं है। जानकारी के मुताबिक शराब के लाइसेंस के लिए व्यक्ति को 50,000 से लेकर 5,00,000 से भी अधिक पैसे देने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही लाइसेंस से हम शराब को सभी जगह पर बेच सकते हैं, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि रेस्टोरेंट बार लाइसेंस, होटल बार लाइसेंस, रिसोर्ट बार लाइसेंस, सिविलियन क्लब आदि के लिए डिपार्टमेंट के अलग अलग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, और जिसके लिए आपको अलग अलग तरीकों से आवेदन और राशि का भुगतान करना होता है। अगर आप दारू के ठेके के लिए घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने स्टेट के डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आपको ऑनलाइन में दिक्कत आती है, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी शराब के ठेके के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद डिपार्टमेंट में जाना होगा और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करनी होगी। इसके बाद आपको अपने नगर के निगम या फिर पालिका से शॉप लाइसेंस लेना होगा, और साथ ही एक GST नंबर भी प्राप्त करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी शराब की दुकान या ठेके को MSME में रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको MSME से सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। तो इसके लिए आपको जमीन के कागजात, यदि वह जगह रेंट पर ली गई हो, और साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल की कॉपी, पासपोर्ट फोटो, बैंक डिटेल, बिजनेस पैन कार्ड, GST नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर की आवश्यकता है। जानकारी के लिए बता दें कि दारू के लाइसेंस 5 तरह के होते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: FL3, FL2, FL3A, FL4 और RWS2। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लाइसेंस हैं, इनमें से कौन सा लेना सही रहता है और कौन सा नहीं, तो घबराए नहीं। दरअसल ये सभी लाइसेंस एक अलग अलग तरह के कार्यों के लिए हैं, जैसे कि F3 लाइसेंस, ये होटल बार लाइसेंस होता है, जो कि 4,00,000 रुपए से लेकर 20,00,000 रुपए तक बनाया जाता है। F2 लाइसेंस, ये रेस्टोरेंट बार लाइसेंस है, जिसे बनवाने के लिए करीब 1,00,000 से लेकर 12,00,000 रुपए लगते हैं। F3A लाइसेंस, ये रिसोर्ट बार लाइसेंस है, जिसे बनाने के लिए लगभग 50,000 से लेकर 3,00,000 रुपए खर्च करने होते हैं। F4 लाइसेंस, ये सिविलियन क्लब लाइसेंस है, जिसके लिए 2,00,000 से लेकर 4,00,000 रुपए खर्च करने होते हैं। और अब बात आती है RWS2 लाइसेंस की। ये एक वह लाइसेंस होता है, जो सड़क पर दारू की दुकान खोलकर शराब, वाइन और देसी दारू बेचते हैं, इसे बनवाने के लिए आपको 50,000 से लेकर करीब 1,00,000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। लेकिन इसमें आपको सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शराब की दुकान पर लड़ाई और झगड़ा अधिक होने पर शराब के मालिक की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पे भी कोई शराब का ठेका खोला जाता है या वाइन शॉप खोली जाती है, तो उसके लिए एक सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, कोड लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस बनवाने के लिए उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले जो लोकेशन देखी जाती है, जो शॉप फाइनल की जाती है, उसका सारा डॉक्यूमेंट और प्रपोजल सबमिट किया जाता है डिपार्टमेंट में। वहाँ से फिर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स एक्साइज में जाती है, एक्साइज
विज़िट करती है लोकेशन पर, अपना सारा मेज़रमेंट वगैरह और जो भी उनको क्राइटेरिया चाहिए होता है उसकी वेरिफिकेशन और जांच करने के बाद जो है वो लाइसेंस इशू करते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट सॉरी हमारी डिपार्टमेंट जो है वो क्या बोलते हैं शॉप ओपन करती है। लाइसेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो शॉप ओपन करने का जो डिपार्टमेंट और एक्साइज के बीच का होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट को एक्साइज लाइसेंस इशू करती है जिसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो शॉप ओपन करती है। दूसरा लाइसेंस होता है पीटेन, जैसे कोई इवेंट वगैरह चल रहा है, किसी को इवेंट अपने यहाँ करवानी है या फिर बैंक्वेट होटल रिसोर्ट वगैरह में करते हैं तो वहाँ के लिए वो एक्साइज से परमिशन लेते हैं कि हम जो है लीगली ये इवेंट रख रहे हैं और इतने लोगों की गैदरिंग है ताकि किसी भी तरह का हम लॉ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो लाइसेंस बनवाते हैं जो कि 6 घंटे के लिए वैलिड होता है पर्टिकुलर डे, ठीक है। और ये लाइसेंस जो होता है आप 2 दिन पहले तक बनवा सकते हैं। नहीं तो इसकी एक एज लिमिट भी होती होगी, एज किस एज ग्रुप इसका लाइसेंस बनवा सकता है? एज जो है वैसे क्या बोलते हैं जनरली 25+ हम इशू करते हैं। वैसे तो भारत में शराब के पूरे कारोबार की देखरेख आबकारी विभाग के अंतर्गत आती है। आबकारी विभाग के माध्यम से ही भारत के किसी भी राज्य में ठेकों का लाइसेंस वितरित किया जाता है। भारत में विदेशी शराब रखने की बात करें तो एक व्यक्ति को विदेशी शराब रखने की सीमा 9 लीटर निर्धारित की गई है और भारतीय शराब की सीमा 18 लीटर है। इसका निर्धारण भी आबकारी विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है। सबसे सस्ती शराब की बात करें तो ये गोवा राज्य में मिलती है जो कि भारत का एक पर्यटक राज्य है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की शराब आसानी से मिल जाती है। वैसे तो आबकारी विभाग अपने अनुसार शराब के ठेके देने का कार्य करता है। शराब का ठेका प्राप्त करने के लिए हर राज्य का अपना एक अलग रोल होता है, लेकिन इसका संचालन आबकारी विभाग द्वारा ही किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा इसके वितरण के लिए एक प्रणाली के माध्यम से टेंडर निकाला जाता है। टेंडर कितने दिन लग जाते हैं इसे पास होने के लिए? जनरली विद इन वीक और 15 डेज के अंदर सारा कुछ हो जाता है प्रोसेस लाइसेंस इशू करने का शॉप का। अच्छा, तो टेंडर बनाने के लिए कितने इश्यूज आप मतलब फेस करने पड़ते हैं या इजीली ये मिल जाता है? नहीं, इजीली नहीं मिलता है। हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि शॉप के आसपास कोई स्कूल या मंदिर या हॉस्पिटल जो है वो तो नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपके 100 मीटर के रेंज में आती है तो फिर शॉप हम वहाँ पे नहीं ओपन कर सकते हैं। तो सर, जब ये चीज़ें बेची जाती हैं तो इसके कुछ नियम और कानून भी होते हैं जो कि अभी भी होंगे, तो क्या लगता है आपको इन नियम और कानूनों में कुछ बदलाव होने चाहिए? फिलहाल जो भी नियम कानून एक्साइज इम्प्लीमेंट कर रही है उसे देखते हुए मुझे तो सब सही लग रहा है, क्योंकि हम जो है हर एक बॉटल स्कैन करके देते हैं जिसे सारी डेटा जो होती है वो डायरेक्ट एक्साइज को जाती है। सर, टेंडर की जो वैधता होती है वो कितने सालों की होती है? 5 ईयर, 1 ईयर या 6 मंथ? 1 साल। 1 साल की। अच्छा, तो ये मतलब सभी स्टेट में ये लागू होता है या सिर्फ दिल्ली के लिए ही अलाउ? नहीं, ये इस स्टेट के लिए, पर्टिकुलर दिल्ली के लिए। जिस भी व्यक्ति को शराब का ठेका चाहिए वो उम्मीदवार इस टेंडर में हिस्सा लेते हैं। आबकारी विभाग द्वारा कुछ नागरिक जैसे शहीद सैनिक परिवार, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें प्राथमिकता भी दी जाती है। आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस भी प्रदान किया जाता है और इसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये उम्र हर किसी राज्य में अलग अलग हो सकती है। किसी किसी राज्य में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र 18 वर्ष भी निर्धारित की गई है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको शराब के ठेके का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। और विश्व में सबसे अच्छी शराब की बात करें तो फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा शराब ब्रांडिंग देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब उत्पादित राज्य की बात करें तो इटली देश का नाम प्रथम स्थान पर आता है। ठेका खोलने की कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। ये नियम और शर्त आबकारी विभाग द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। जैसे कि किसी भी शिक्षण संस्थान से ठेका खोलने के लिए एक निश्चित दूरी तय की जाती है। ठेका मालिकों को शांति बनाए रखने के लिए भी कहा जाता है। गांव एवं कस्बों से ठेका लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। सभी प्रदेश में शराब के ठेकों की संख्या लगभग 30 से 50 हजार
होनी चाहिए। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के लिए खाद्य विकास विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही दुकानदारों को बिक्री के अनुसार टैक्स भी देना होता है। बिना लाइसेंस के आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते और पकड़े जाने पर तो जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान का लाइसेंस लेना और भी महंगा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 7.5% की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के राजस्व को काफी लाभ प्राप्त होगा। शराब पर सरकार के राजस्व की बात करें तो सबसे ज्यादा टैक्स शराब पर ही लिया जाता है। इससे राज्य या फिर देश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल में ही सभी दुकानें बंद होने पर राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक गाइडलाइन के अनुसार सरकारों ने अपने अपने राज्य में ठेकों को खोलने का फैसला किया था, जिससे उन्हें कुछ राजस्व प्राप्त हो सके। तो ये तो थी शराब के लाइसेंस से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।